हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं थाईलैंड और बैंकॉक के बारे में। हमारे पास बहुत ऐसे कमेंट आया था कि सर मुझे बताइए कि इस कैटेगरी में हम लोग जाकर जॉब पा सकते हैं कि नहीं, वहां जाना कितना खर्चा हो सकता है और बैंकॉक और थाईलैंड में मुझे रहने में एक दिन का खर्चा मैक्सिमम कितना पड़ेगा और वहाँ बैंकॉक थाईलैंड में यदि हम रुकते हैं तो हमें जॉब कैसे मिलेगा, हम वहाँ जॉब कैसे खोजेंगे, मतलब कुछ ऐसे बात बताइए ताकि हम जॉब बैंकॉक कंट्री में जाएं तो हम जॉब खोज लें। तो दोस्तों जुड़े रहिए ऐसे तमाम जानकारियाँ पाने के लिए हमारे इस चैनल के साथ, क्योंकि आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ और बातें मैं बताता हूँ ताकि आप आसानी तरीके से बैंकॉक जाकर जॉब पा सकते हैं। ये थोड़ा दोस्तों परिश्रम और कठिन तो है ही, पर आप जॉब पा सकते हैं। ये अपने आप पर एक हौसला और अपने आप पर एक जज्बा रख ले रहिएगा कि हाँ, मैं यदि बैंकॉक जाऊंगा तो जॉब ही जॉब करूंगा। तो दोस्तों ऐसे तमाम जानकारियां पाने के लिए आप बेशक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं। आइए दोस्तों हम बात कर लिया जाए बैंकॉक चाहे थाईलैंड में यदि हम जाते हैं तो हमें मैक्सिमम किस कौन सा जॉब जो मिल सकता है। पहला नंबर, यदि आप कुक है जो खाना बनाता है, या तो आप मिस्त्री हो या तो आप हेल्पर हो, तो वहाँ मतलब क्लब और मतलब कह सकते हैं होटल बहुत ज़्यादा माना पाया जाता है, जिसे टूरिस्टियम लोग वहाँ बहुत बेहतरीन तरीके से आते हैं। तो इस प्रकार से आप आसानी तरीके से कुक के हेल्पर में या तो कुक के मिस्त्री में आप जॉब कर सकते हैं। या वहीं पर बात कर लिया जाए वेटर बनना चाहते हैं, फिर भी आप इसमें अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। एक वेटर का जॉब है, एक कुक का जॉब है। तीसरा नंबर, एट सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। यदि सिक्योरिटी गार्ड मतलब आपके कह सकते हैं आप ठीक ठाक हैं तो आपकी सिक्योरिटी गार्ड की भी जॉब लग जाती है। अब हम बात कर लिया जाए कि हमें बैंकॉक में और कौन से ऐसे जॉब हैं जो आसानी तरीके से मिल जाता है। जैसे दोस्तों यदि आप एक टैक्सी ड्राइवर हैं जो अपने कंट्री में रहकर मतलब कह सकते हैं लग्जरी कार या चाहे कह सकते हैं गाड़ी चलाते हैं, फोर व्हीलर चल पर या यदि आप चलाते हैं तो आपको बैंकॉक में टैक्सी का जॉब लग सकता है। फिर वहीं हम बात कर लिया जाए जैसे कि मान लीजिए यदि होम डिलीवरी की जॉब करते हैं या कर चुके हैं, यदि जैसे कि पिज्ज़ा बॉय डिलीवरी की जॉब हो सकती है, कोरियर की जॉब हो सकती है, मतलब बड़े बड़े इंसान हैं जो वहाँ पर आप जॉब पा सकते हैं। अब हम बात कर लिया जाए, कुछ लोग के मन में ख्याल होता है कि सर इसके छोड़कर यदि हम कुछ भी नहीं जानते हैं तो बैंकॉक में क्या कर लेंगे। बैंकॉक में यदि आप कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, तो बैंकॉक में एक काम जो सबसे आसान काम जो मसाज ब्यूटी पार्लर में आपको जॉब लग सकती है, जो बेटरी का जिसमें आपको कुछ भी नहीं पता रहेगा फिर भी आप उसमें आप जॉब कर सकते हैं। यदि मसाज ब्यूटी पार्लर से संबंधित आपको कोई भी जानकारी है तो बेशक वहाँ बैंकॉक कंट्री में आप अच्छा खासा पैसा अर्निंग कर सकते हैं। फिर आपके मन में सवाल होगा कि बैंकॉक में जाने में लगभग एजेंट कितना पैसा ले लेता है, और कुछ लोग तो ऐसे कमेंट मुझे करते हैं कि सर मेरा तो कम से कम 80,000, 90,000, 1,00,000, 1.5 लाख रुपए तक डूब गया है, पर अभी आज तक मैं बैंकॉक नहीं जा पाया। तो दोस्तों मैं आपको सीधी लफ्जों में बता दूं, बैंकॉक जाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप यदि किसी जॉब के तलाश में जाते हैं तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कोई अगर एजेंट है तो आप उसके थ्रू चल जाते हैं। यदि आप बैंकॉक थाईलैंड जाना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिससे हम आपको भिजवा भी सकते हैं और आप कम पैसे में भी जा सकते हैं। यदि बैंकॉक थाईलैंड में जाकर जॉब करना चाहता है तो दोस्तों ये तो आप पर डिपेंड करता है कि आप बैंकॉक कंट्री में जॉब पाएंगे कि नहीं पाएंगे, जॉब अगर पा गए तो वहाँ पर काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये आपकी समस्या होगी। क्योंकि दोस्तों कुछ एजेंट को मैं जानता हूँ जिस प्रकार से आपको बैंकॉक में वो लोग भेज देंगे, जिम्मेदारी आपका होगा कि काम यदि आप पा गए तो करेंगे कि नहीं करेंगे। कोई भी अगर सैलरी आपको कम लगती है तो आप मैक्सिमम कितना कमाएंगे, कैसे बैंकॉक जाएंगे, आप वीज़ा कहाँ से पाएंगे, कौन सा पासपोर्ट आपके पास होनी चाहिए, आपकी बेसिक शिक्षा कितनी होनी चाहिए, एज और उम्र कितनी होनी चाहिए, तमाम ऐसे जानकारियां मैं दोस्तों देता रहता हूँ देश विदेश कंट्री के बारे में। यदि आप बैंकॉक जाना चाहते हैं, थाईलैंड में जाना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं दोस्तों, तो मैं आपको बता दिया जैसे कुक की जॉब हो गई, बेटरी की जॉब हो गई, और एक ड्राइवर है टैक्सी की उसमें भी जॉब हो गई, मसाज ब्यूटी पार्लर में जॉब हो गई, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब हो गई, और घरेलू सिक्योरिटी गार्ड की जॉब हो गई। तो दोस्तों ऐसे तमाम कार्य हैं जो बैंकॉक में जाकर आप कर सकते हैं।
यदि आप इंटरेस्ट हैं बैंक ऑफ जाएंगे तो कॉन्टेक्ट रहिएगा मुझसे, मैं आपको अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन और जानकारी दूंगा ताकि आप कम पैसे में बैंक ऑफ चले जाएं। तो दोस्तों